काकाश्री, ये सागर हमारे सामने कैसी अबूझ पहेली बनकर प्रस्तुत हुआ है। अब आप ही सुझाव दीजिए कि अब हम क्या करें। मैं भी दुविधा में हूँ पुत्र, कि हमें इस सागर को पार करने की चेष्टा करनी चाहिए या नहीं। यदि कहीं से कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त हो जाता कि माता सीता सागर के उस पार ही हैं, तो निर्णय लेना सरल हो जाता। युवराज अंगद, किसे ज्ञात है कि सागर के उस पार क्या है? मेरे अनुसार अब हमारे पास यहाँ से लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें दी गई समय अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। मित्र गंधमादन, समय भले ही बीत जाए और उसके फल स्वरूप महाराज सुग्रीव हमें मृत्यु दंड ही क्यों न दे दे, परंतु हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। निराश होकर लौटने के स्थान पर हमें माता सीता को ढूंढने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्रभु श्री राम उनके वियोग की दुखाग्नि में चलते रहेंगे। यदि हम अपने प्राण देकर भी माता सीता का कोई समाचार प्रभु श्री राम तक पहुंचा सके और उनकी पीड़ा हरने में सहायक बन सके, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन सबको अपना आहार बनाकर अपने शुदा मिटाऊंगा। इस महान राम काज में अपने प्राणों की आहुति देना तो हमारा सौभाग्य होगा। हमें पक्षी राज जटायु के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। प्रभु भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक महाराज जटायु के परम त्याग की चर्चा मुझसे भ्राता लक्ष्मण ने की थी, कि कैसे अपने प्राणों की चिंता किए बिना माता सीता को मुक्त कराने के प्रयास में उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अब ये कौन सी नई आपदा आ गई? इतना विशाल काय पक्षी, कहीं ये हम सबको खाने तो नहीं आ रहा? अन्य विपत्तियों के समान हम इसका भी सामना कर लेंगे। तुम अभी जटायु की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसे? शीघ्र बताओ मुझे, जटायु के प्राण तो सुरक्षित हैं? कौन हैं आप और पक्षीराज जटायु के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बोलो क्या हुआ जटायु को? धीरज रखिए, मैं विस्तार से आपको सब बताता हूँ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी का हरण कर दुष्ट रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान से किसी गुप्त स्थान पर ले जा रहा था। तभी महापराक्रमी पक्षीराज जटायु की दृष्टि रावण के इस दुष्कृत्य पर पड़ी। उसे रोकने के लिए उन्होंने अत्यंत तीव्र वेग से उड़ने वाले रावण के शक्तिशाली पुष्पक विमान की गति का सामना किया। दुष्ट रावण, अवरुद्ध करने का तो साहस तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मूर्ख। मूर्खता मैंने नहीं, अभी तू देवी सीता का हरण करने का दुस्साहस कर तुमने की है रावण। हाँ।
मुक्त कर दो देवी सीता को। अभी दिखाता हूं तुम्हें। फिर क्या हुआ उसे? फिर उस क्षत विक्षत अवस्था में भी महाराज जटायु ने असहनीय कष्ट सहकर भी अपने प्राणों को अपने शरीर में संजो कर रखा और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। जब अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए उनके निकट पहुंचे, तब प्रभु को इस घटना का संपूर्ण विवरण देने के पश्चात ही जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भ्राता जटायु, संपाति आपकी रक्षा भी न कर सका। संपाति जी, अपने आप को संभालिए। संपाति जी, सदाचार और विनय का प्रतीक था मेरा अनुज जटायु। उसके विपरीत मैं दंभी और मूढ़ था। बहुत समय पूर्व अहंकारवश अपने उड़ने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मैंने उड़ान भरकर सूर्य देव तक पहुंचने की चेष्टा की थी, परंतु सूर्य देव की प्रखर ऊष्मा को मैं कहां सहन कर पाता। उनके समीप जाते ही मेरे पंख झुलस गए और पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ हो मैं यहाँ आकर गिर पड़ा। उस दिन के उपरांत मैं कभी उड़ान नहीं भर पाया। मृत्यु मेरी होनी चाहिए थी, मेरे शूरवीर भ्राता की नहीं। अपने पंख खोकर तो मैं ये निरर्थक जीवन जीने का इच्छुक भी नहीं था, परंतु तभी मेरी भेंट मुनि निशाकर से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु श्री राम की कथा सुनने और उनके कार्य में सहायक बनने से मेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इसी प्रतीक्षा में यहाँ स्थित हूँ। और वैसे भी पंख रहित असहाय अवस्था में मैं जाता भी कहाँ। संपाति जी, मेरा सुझाव है कि आप सर्वप्रथम अपने दिवंगत भ्राता को तर्पण देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उसके पश्चात ही हमारा आपसे सहायता मांगना उचित होगा। अद्य श्रुति स्मृति पुराणोत्फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। प्रभु तुम्हारी आत्मा को शांति दे जटायु। हे महान संपाति जी,
आपके कथनानुसार आप यहाँ दीर्घ काल से स्थित हैं। हमें बताइए कि आपने यहाँ आकाश मार्ग में पुष्पक विमान या माता सीता को किसी दिशा में जाते देखा है? जहाँ तक मेरी वृद्ध बुद्धि को स्मरण पड़ता है, कुछ दिनों पूर्व जब मैं चौकन्ना रहकर अपने भोजन के लिए किसी आखेट की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे आकाश से एक करुणा भरी पुकार सुनाई दी थी। स्वर स्पष्ट नहीं था, परंतु ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी युवती का है। परंतु जब तक मैं अपनी दृष्टि को उस स्वर पर केंद्रित कर पाता, एक विमान सागर के उस पार क्षितिज में विलीन होकर अदृश्य हो रहा था। प्रतीत होता है संपाति जी द्वारा देखे गए उस विमान से आने वाला स्वर माता सीता का ही था। संभव है दुष्ट रावण उन्हें सागर के उस पार लंका नगरी ले गया हो। यदि ऐसा है काकाश्री, तो अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि अभी भी माता सीता लंका में ही है? गरुड़ दृष्टि तो 100 योजन तक देख सकती है। संपाति जी, क्या आप अपनी पैनी गरुड़ दृष्टि से लंका नगरी की ओर देखकर ज्ञात कर सकेंगे कि माता सीता वहां पर हैं या नहीं? पुत्र, यहां से तो कुछ दिखाई नहीं देगा, और मैं ऐसा असहाय पक्षी हूं जिसके पास पंख ही नहीं है। आकाश में उड़कर देखने में अक्षम हूं मैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश मत होइए संपाति जी, प्रभु का नाम लेने से तो समस्त विषाद दूर हो जाते हैं। एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम लीजिए संपाति जी। मुझे विश्वास है कि उससे कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मैं अवश्य प्रयास करूंगा हनुमान। जय श्री राम। श्री राम। राम। मैं धन्य हुआ प्रभु, मुझे नूतन पंख देकर आपने मुझे इस कार्य के लिए सक्षम बना दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। संपाते जी, क्या दिखाई दिया आपको? क्या आपको माता सीता के दर्शन हुए? हाँ पुत्र, लंका जैसी भोगुर विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी, परंतु वो माता सीता ही है ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता पुत्र। हो न हो वो माता सीता ही होंगी, अर्थात देवी स्वयं प्रभा ने हमें उचित स्थान पर भेजा था। प्रतीत होता है कि हम अपने लक्ष्य के निकट हैं। अब हम प्रभु श्री राम का ये महान कार्य पूर्ण करने की आशा कर सकते हैं। हाँ हनुमान जी, परंतु हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि संपाति जी द्वारा लंका नगरी में देखी गई महिला माता सीता ही है। हाँ पुत्र, और ये भी कि प्रभु श्री राम के साथ हमारे यहाँ लौटने तक वो वहाँ सुरक्षित रहेंगी। परंतु ये हम करेंगे कैसे? हाँ, वहां कौन जाएगा और कैसे? नवीन पंख प्राप्त करने के पश्चात भी
मेरे वृद्ध शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं ये कार्य संपन्न कर सकूं। मेरा सुझाव है कि आप अपने दल में से ही किसी योद्धा का चुनाव कर ले जो छलांग लगाकर लंका पहुंचे और इस कार्य को पूर्ण करे। हम सब में सबसे ज्येष्ठ होने के नाते इस कार्य के लिए मुझे स्वयं प्रस्तुत होना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था में मेरी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। युवावस्था में ब्रह्मांड की 21 परिक्रमा करने वाला ये वृद्ध शरीर अब थक चुका है, इसलिए दुर्भाग्यवश मेरे लिए स्वयोजन की छलांग लगाना असंभव है। आप हमारे आदरणीय अग्रज हैं, हम युवा वानरों के होते हुए आपको ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दल का अधिपति होने के नाते मुझे ही जाना चाहिए। मुझे विश्वास है स्वयोजन की छलांग तो मैं लगा ही लूंगा। किंतु युवराज अंगद, ये दूरी आपको दो बार तय करनी होगी। माता सीता की सूचना के साथ आपको वहाँ से वापस लौटना भी तो होगा। आप उचित कह रहे हैं काकाश्री, मैं पहुँच तो जाऊंगा, परंतु मुझे संदेह है कि इस श्रम के पश्चात मुझमें लौटने की शक्ति शेष रहेगी या। वैसे भी युवराज और सेनापति होने के नाते आपका जाना उचित नहीं है, आपको यहीं रहकर हमारे नेतृत्व का दायित्व निभाना है। फिर काकाश्री, हमारे बीच ऐसा कौन है जो ये कार्य सफलतापूर्वक कर सके? मैं तो केवल 60 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूँ। मेरी भी सर्वश्रेष्ठ छलांग कुछ 80 योजन तक पार कर सकती है। 100 योजन पार करना तो अत्यंत कठिन होगा। मैं भी 100 योजन की दूरी कूदने में असमर्थ हूँ युवराज। ये कैसी व्यवस्था है काकाश्री? अभी तक हम माता सीता का कोई चिन्ह प्राप्त करने, वो कहाँ स्थित है इसका कोई संकेत ढूंढने के लिए भटक रहे थे, परंतु अब वो प्राप्त हुआ तो हम आगे बढ़कर उसकी पुष्टि करने में असमर्थ हैं। निराशा त्याग दीजिए युवराज अंगद, मुझे ज्ञात है कि कौन ये असंभव कार्य अत्यंत सरलता से संभव बनाने में सक्षम है। जय हनुमान, जय श्री राम महाबली हनुमान। भ्राता लक्ष्मण, मैं किस मुंह से प्रभु श्री राम को यह अशुभ समाचार दूं? जिस कार्य को हमने अति उत्साह के साथ आरंभ किया था उसमें अभी तक निराशा के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर दिशा के अधिपति तो पूर्व में ही रिक्तात लौट चुके थे, और अब पश्चिम और पूर्व दिशा के अधिपति भी सीता माता का कोई समाचार नहीं ला पाए। अर्थात अब जो भी आशा है वो युवराज अंगद और महाबली हनुमान के दल से ही है। हनुमान, अब तुम्हें ही इस रामकाज को पूर्ण करना होगा। हनुमान, अब तुम्हें ही इस अनंत सागर को पार कर उस पार जाना होगा। यदि मैं समर्थ होता तो सहर्ष चला जाता, परंतु मामा श्री, मुझ जैसे साधारण वानर के लिए ये कहाँ संभव है। साधारण नहीं, समस्त वानर समाज के भूषण हो तुम हनुमान, तुम सर्वश्रेष्ठ हो वानर हनुमान। यहाँ हम सभी योद्धाओं में उपस्थित एक तुम ही हो जो इस दुष्कर कार्य को कर सकते हो। स्मरण करो हनुमान, तुम कौन हो, तुम कितने अनुपम बल के स्वामी हो हनुमान, जो जग में संकट मोचन के नाम से विख्यात है, जिसकी बल बुद्धि और शक्ति का कोई सानी नहीं है। तुम हो हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी असाधारण शक्तियों से पुनः परिचित कराता हूँ। हनुमान सुनो ध्यान से। मैं कुछ समझा नहीं मामा श्री। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ हनुमान।
जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम पे हारो। संकट मोचन नाम पे हारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम पे हारो। संकट मोचन नाम पे हारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्ष लियो तुम जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो। जग में कपि संकट मोचन नाम पे हारो। संकट मोचन नाम पे हारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब नाव भयो हनुमान ते हारो। नाव भयो हनुमान ते हारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब नाव भयो हनुमान ते हारो। नाव भयो हनुमान ते हारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। राम के काज को देके सहाया। राम के काज को देके सहाया। जग कल्याण को ध्येय है धारो। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम ते हारो। संकट मोचन नाम ते हारो। जय की ये चक्र सुरा यक्ष राजा यक्षेश वीरा नाव कहायो। यक्षेश वीरा नाव कहायो। काल के चक्र से सृष्टि बचाई काल की ये जय कालेश्वर कहलाई। काल की ये जय कालेश्वर कहलाई। शनि के कोप से चंद्र छुड़ा के। शनि के कोप से चंद्र छुड़ा के। जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम ते हारो। संकट मोचन नाम ते हारो। संकट मोचन नाम ते हारो। परंतु मामाश्री, तो मैं ये सब भूल कैसे गया? पुत्र हनुमान, तुम्हारी एक छोटी सी भूल से ऋषि सामव्रत का यज्ञ भंग हो गया था। क्रोधवश कारण जाने बिना ही श्राप देकर उन्होंने तुम्हें दंडित कर दिया। ये उसी श्राप का परिणाम है कि तुम अपनी समस्त शक्तियां भूल गए। मैं ऋषि अंगिरस पुत्र सामव्रत तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिन दिव्य शक्तियों ने तुम्हें उदंडी बना दिया है, तुम उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतया भूल जाओगे। परंतु जब उन्हें पूरी बात ज्ञात हुई तो वो बहुत दुखी हुए और तब उनके वचन थे कि उचित समय पर रामकाज को पूर्ण करने हेतु किसी के द्वारा स्मरण दिलाने पर तुम्हें अपनी शक्तियों का पुनः भान हो जाएगा। मैं साम्रत ये विधान करता हूं कि जब प्रभु श्री राम के सहायतार्थ
किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए कोई महानतम व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब हनुमान की समस्त शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। वो समय आ गया है हनुमान, अपनी विलक्षण शक्तियों का स्मरण करो पुत्र हनुमान। स्मरण कीजिए महाबली हनुमान जी, स्मरण कीजिए। हाँ हनुमान, स्मरण करो। बाल्यावस्था से ही तुमने अनेकों बार अपने मित्रों की रक्षा की है और उन्हें भयंकर संकटों से मुक्त कराया है। तुम्हारी अपार शक्तियों के समक्ष संसार की समस्त शक्तियां हीन हैं। मित्र हनुमान, धर्म के मार्ग पर चलने वाला तुमसे श्रेष्ठ योद्धा और कोई नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे, युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें, काल तुम्हारे अधीन होंगे। हनुमान जय बजरंगी हनुमान।
प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासुरदयागार बसही राम सर चाप धर मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल 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 हनुमान करे सब मंगल जय राम दूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान जय राम दूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तनुजवन कृशानुं ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रियं भक्तं वातं जातं नमामि मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल 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 हनुमान करे सब मंगल जय राम दूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान जय राम दूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान मनोजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शिरसा नमामि मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल 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 हनुमान करे सब मंगल जय राम दूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान जय राम दूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान भयंकर ध्वनि है जिसने अपने प्रभाव से मेरा अंतर दहला दिया है मामा श्री मुझे अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया है मैं अपने मुंह अपनी शक्तियों का बखान करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं परंतु विनय पूर्वक आपको बताता हूं
अपने गुरु वायु देव से भी तीव्र वेग से उड़ 100 योजन तो क्या सहजता से 10,000 योजन की दूरी भी तय कर सकता हूँ। विंता नंदन गरुण देव तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हो तो मैं उड़ते रहकर उनकी प्रदक्षिणा कर सकता हूँ। सहस्त्रों योजन में विस्तृत विशालकाय मेरु पर्वत की असंख्य बार परिक्रमा कर सकता हूँ। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव के उदय से अस्त होने की अवधि में उनको छूकर धरा पर लौट सकता हूँ और विश्राम किए बिना पुनः उनका स्पर्श करने जा सकता हूँ। हे युवराज अंगद, हे मामा श्री, अपने बल का भान होने पर मुझे ये अथाह सागर क्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी क्षण इस सागर को लांघकर त्रिकुट पर्वत के साथ लंका को चकनाचूर कर दूं या इस महासागर के संपूर्ण जल का पान कर इसे सुखा दूं। मेघों को छिन्न भिन्न कर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ जाऊं। इन मेघों से उत्पन्न विद्युत की भांति अपनी शक्ति और बल से समस्त दानवों का वध कर अति शीघ्र लंका नगरी सहित माता जानकी को अपने साथ लाकर राम काज संपन्न करूं। इतने महान हैं हनुमान जी, आश्चर्य है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ महाबली हनुमान जी। हे महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार इस समय आप मात्र लंका जाकर माता जानकी का कुशल क्षेम ज्ञात करें। वहां से लौटकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को माता जानकी के सकुशल होने का समाचार दें और इस कार्य को संपन्न करने में हमारे समक्ष उत्पन्न मृत्यु के संकट रूपी अवरोध को दूर करने की कृपा करें। मामा श्री, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रभु आदेश का पालन करूंगा और माता सीता का पता लगाकर उन्हें बताऊंगा कि उनके स्वामी श्री राम ने मुझे उनको मुक्त कराने के लिए भेजा है। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी विजय अत्यंत निकट है और अपने इस कार्य में मैं कोई बाधा और किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। तो तत्पर हो जाओ हनुमान, आकाश में विशाल छलांग लगाओ हनुमान। लगाओ छलांग हनुमान। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
लांगा बजरंगी ले दीर्घ छलांगा तन मन रघुवीरा को समर्पित वानर टोली देख अचंभित तेज अदम्य शक्ति अपूर्व उछले कपीश करी महेंद्र चूर वेग प्रबल से कर गए कूच अतुलित बल से राम ये पृथ्वी में कंपन कैसी? ये भूकंप है या कुछ और? रामदूत हनुमान को देवी पृथ्वी का प्रणाम। पापियों के कुकृत्यों के झटके सदैव मुझे पीड़ा देते रहे हैं, किंतु आपकी इस महान उड़ान के कंपन ने मुझे पीड़ा नहीं आनंदित किया है। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम काज हेतु सूर्य अकल्पनीय एवं दिव्य उछाल ली, इससे समस्त ब्रह्मांड चकित पृथ्वी भी कंपित हो उठी है। पृथ्वी में कंपन हो रहा है, समस्त संसार में जैसे हलचल सी मची हुई है। परंतु फिर भी प्रतीत हो रहा है जैसे कोई असाधारण सुंदर और महान कार्य हो रहा हो। ये जो कांड घटित होना आरंभ हुआ है ये सुंदर कांड है। सुंदर कांड? हां देवेश्वरी, सुंदर कांड के नाम से ये जगत विख्यात होगा। श्री राम सुंदर, उनके सुंदर भार्या देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अतुलित बल के धाम सुंदर हनुमान, ये अध्याय है एक असंभव लक्ष्य को पाने की यात्रा पर निकल पड़े कपीश हनुमान की अद्भुत पराक्रम से
ओतप्रोत गाथा का, जो अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अनेकों दुर्हो परिस्थितियों पर विजय पाते हुए देवी सीता तक पहुंचेंगे, जो साक्षात देवी शक्ति का रूप है, जिनसे मिलकर हनुमान आत्म साक्षात्कार के प्रकाश से आलोकित हो उठेंगे। इसलिए इस अध्याय को सुंदरकांड की संज्ञा दी गई है। श्री राम कथा का यह अध्याय जन साधारण को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर जीवन को सरल एवं सुंदर बना देगा। श्री राम का नाम तो वैसे भी कल्याणकारी मंत्र है, उनकी गाथा के साथ हनुमान का पराक्रम भी जुड़ जाए तो उसका प्रभाव समस्त विपदाओं और आपदाओं को समाप्त करने वाला होगा ही। हाँ देवी, आने वाले युगों में जब किसी पर कोई विपदा आएगी, जैसे किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, कोई संतानहीन हो, कोई जीविका के लिए धन का अर्जन नहीं कर पा रहा हो, किसी को कोई रोग सता रहा हो, किसी के परिवार में कोई अपना कर्म भूलकर भोग विलास में लीन हो, या परिवार का मुखिया मदिरा का दास बनकर दुराचारी हो गया हो, किसी की संतान रावण की ही भांति दुष्कर्मों में लिप्त हो गई हो, किसी के बने हुए कार्य बिगड़ रहे हों, या किसी को अपार कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, उनके समस्त कष्टों का निवारण करेगा ये सुंदरकांड। बहुत ही अद्भुत महिमा है सुंदरकांड की। इसके लिए जन साधारण को क्या करना होगा स्वामी? सुंदरकांड का पाठ करना होगा। सुंदरकांड का पाठ करने वाले, उसे सुनने वाले, उसे देखने वाले या कोई भी जीव जंतु उस स्थान पर उपस्थित होंगे, वे सब कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। यही नहीं, सुंदरकांड की पुस्तक के समक्ष 2 पुष्प चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक शीश नवाने वाले भी मोक्ष के अधिकारी होंगे, उनके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। जैसे कपीश हनुमान निकल पड़े हैं श्री राम के कष्टों का निवारण करने के लिए। प्रिय, अकाल मृत्यु से भी बचाने की शक्ति है सुंदरकांड में। इसका पाठ करने और सुनने वाले को मृत्यु के मुख से भी खींचकर जीवित निकाल लाएगा ये सुंदरकांड। तो अब हनुमान की यात्रा के साथ ही आरंभ होता है ये अद्भुत सुंदरकांड।
चलायु सोगा पताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले उ हनुमाना। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। तीव्र विलक्षण गति के स्वामी, जय बजरंगी अंतर्यामी। ओ तुम्हरे उर में राम बसो, को नहीं जग में तुम सो। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम समुद्रदेव, आपकी यात्रा सफल हो। मंगलकारी हो मंगल मूर्ति हनुमान। ओ राम काज को चले हनुमान, मेघराज दिए रस तो मां। चल चर सब कपि दरस किए, उदधि भी आशीष दिए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अनुपम कार्य हनुमान जी ही कर सकते थे। मेरा हृदय कहता है वे अवश्य ही सफल होंगे। हनुमान की ये अद्भुत उड़ान श्री राम के कार्य के लिए की गई सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी। हाँ काका श्री। बस अब हनुमान जी के मार्ग में कोई बाधा ना आए। कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न महाबली हनुमान की इस यात्रा को नहीं रोक सकता। नल जय श्री राम। अब ये विशाल पर्वत आ रहा है मेरे मार्ग में। हनुमान जी की शक्ति के समक्ष तो बड़े से बड़े पर्वत भी कंकड़ के समान बिखर के रह जाएंगे। चाहे ऐसे कितने ही पर्वत मेरे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, परंतु प्रभु श्री राम के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं।
पुनः आ गया ये पर्वत। अच्छा, तो ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारी भुजाएं मेरा मार्ग नहीं रोक सकेंगी पर्वतराज। शांत हनुमान, शांत। मैं आपका मार्ग रोक नहीं रहा हूं पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं शत्रु नहीं, सेवक हूं। हे श्री राम भक्त हनुमान, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे व्याकुल नयन सदियों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा में तरस रहे थे। आज जाकर इन नेत्रों की ये साध पूर्ण हुई। हे श्री राम दूत, इस दीर्घ यात्रा में कुछ क्षण मुझ पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। आपकी क्लांत हुई देह स्फूर्ति से भर उठेगी हनुमान। तब एक नवीन ऊर्जा के साथ पुनः आप श्री राम काज हेतु आगे बढ़ सकते हैं हनुमान। राम काज में विश्राम कैसा पर्वतराज? प्रभु का कार्य अविलंब पूर्ण करना है मुझे, और फिर मैं आप पर विश्राम क्यों करूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं मैनाक पर्वत हूं हनुमान जी, पर्वत राज हिमालय एवं माता मैना का पुत्र। आपके पिताश्री पवन देव के बड़े उपकार हैं मुझ पर। मेरे पिताश्री के उपकार? वो कैसे? ये सदियों पूर्व की घटना है पवन सुत, जब पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। गिद्धों की भांति आकाश में ऊंचाई तक तीव्र गति से उड़ने की क्षमता हुआ करती थी पर्वतों में। उड़ने में मग्न पर्वतों को इस बात का भान तक नहीं होता कि पर्वतों के आसपास और पर्वतों पर रहने वाले प्राणियों को उनके इस प्रकार अकस्मात ही उड़ने से कोई कष्ट भी होता होगा। बचिए गुरुदेव। यह अकस्मात ही क्या होने लगा? पर्वतों को मनुष्यों एवं अन्य जीवधारियों के कष्टों की कोई चिंता नहीं थी। देवराज इंद्र से प्राणियों की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। बस बहुत हो गया। इन शक्ति के मत में डूबे पर्वतों ने हम देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्यों, हमें यज्ञ के द्वारा हविष्य प्रदान करने वाले ऋषियों एवं निरीह वन्य प्राणियों पर बहुत अत्याचार कर लिए। अब ये सब रोकना ही होगा। हाँ देवराज, उचित कह रहे हैं आप। पंखों के कारण ही उन्हें उड़ने की शक्ति मिली हुई, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए ये कभी भी अकस्मात ही उड़ जाते, जिससे प्राणियों को बहुत कष्ट हो रहा है। सत्य कहा शनिदेव, ऋतुएं भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। इन विशाल पर्वतों के उड़ने के कारण मेघ छिटक कर इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके कारण कहीं तो बाढ़ आदि आ जाती है तो किसी स्थान पर सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाँ वही फिर मनुष्य एवं प्राणियों के कष्ट तो जैसे इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। यह अन्याय और नहीं होने दूंगा मैं। पंखों के कारण ही ये पर्वत इतने अभिमानी हो गए, अब इन्हें पंख विहीन करना ही होगा। फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र ने क्या किया? महाबली इंद्रदेव को रोकना
तो किसी के लिए भी संभव नहीं था हनुमान। पर्वतों को यह भी चिंता नहीं है कि मैं देवराज इंद्र इनके मार्ग के मध्य खड़ा हूं। ये बिना रुके स्पर्धा करते हुए आगे ही बढ़ते आ रहे हैं। बचाओ बचाओ, अरे रक्षा करो कोई, बचाओ। बस पर्वतो, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। शक्ति के मद में चूर पर्वतों, तुम जो ये विनाश लीला की क्रीड़ा कर रहे हो, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं बच सकते तुम पर्वतो। किंतु आपके पंख तो अभी भी सुरक्षित हैं। आपके पिता शनि वायुदेव की उदारता के कारण ही मेरे पंख कटने से बच गए हनुमान। रक्षा कीजिए वायुदेव, रक्षा कीजिए, इंद्रदेव के प्रकोप से मेरी रक्षा कीजिए वायुदेव। प्रकट होइए, प्रकट होइए वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। पर्वत राज हिमालय पुत्र में ना, तुम पर्वतों के अत्याचार और ना हो, इसीलिए इंद्रदेव अब तुम पर्वतों को पंख विहीन किए बगैर नहीं रुकेंगे। वायुदेव, जब वो क्रोध में आकर मेरी ओर बढ़ रहे थे तो स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि वे मुझे मात्र पंख विहीन नहीं करेंगे, अपितु आज मेरा वध भी कर डालेंगे। इसलिए मैं वहां से भाग निकला। वायुदेव, कोई उपाय कीजिए, अब इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। शक्तियों का प्रयोग सदैव दूसरों की सहायता एवं कष्ट हरने के लिए करना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।